सो हे गाइस, मेरा नाम है नूह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एफबी बाजार नंबर वन। तो गाइस, आज जो फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो इस तरह की एडिटिंग करना आप भी सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। तो इस तरह के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने फ़ोटो के पीएनजी को तो नहीं, पहले फोटो को सिलेक्ट कर लेना हो। तो फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको कर लेना होगा पीएनजी। तो पीएनजी बनाना नहीं आता तो मेरे दूसरे वाले वीडियो को देखो और इस तरह की पीएनजी बनाना सीख जाओ। तो सबसे पहले फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। तो हमारा जो पीएनजी है, मैं पीएनजी बना के रखा हूँ। अगर आपको पीएनजी बनाना नहीं आता तो मेरे दूसरे वाले वीडियो को देखो और पीएनजी बनाना सीख जाओ। तो सबसे पहले इस वाले पीएनजी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो पीएनजी है, पीएनजी को थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो पीएनजी को छोटा कर लेने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फ़ोटो को कर लेना होगा ऐड, पीएनजी को कर लेना होगा ऐड। पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद टूल्स पर क्लिक करके आपको रिसाइज पर जाना होगा, एरिज पर जाना होगा। तो एरिज को कर देंगे, हमारे जो हार्डनेस है हार्डनेस को कर देंगे 35 पर, और हमारे जो ओपेसिटी है उसको भी रखेंगे 35 या 35 रखेंगे। तो 31 पर रख लेते हैं, और साइज को हमने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। और हमारे जो फ़ोटो है, फ़ोटो पर इस तरीके से टाइप करेंगे, और बैकग्राउंड हमारा जो है काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी। तो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से करने से हमारे जो फ़ोटो है रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। रियल फ़ोटो में जैसे दिखते हैं ना, वो ऐसे भी दिखेगी। तो हमें ऐसे ऐसे कर लेने से हमारे जो फ़ोटो है रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, तब तक वीडियो पर बने रहिए। तो इस तरीके से कर लेने के बाद आपको कर लेना होगा फ़ोटो को सेव। तो फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। सेव कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से इस वाले फ़ोटो को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना होगा। दोबारा से सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको थोड़ा इधर घिसका देना होगा और ओपेसिटी को कम करके देखना होगा। तो ओपेसिटी को कम करके हमें फिर से ओपेसिटी को बढ़ा देना होगा। तो ओपेसिटी को बढ़ा देने के बाद फिर से हमें टूल्स पर क्लिक करके इनवर्ट कर देना। इनवर्ट कर देने के बाद रिस्टोर पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, अपने जो ओपेसिटी और हार्डनेस है फिर से हमें एडजस्ट कर लेनी है। तो हमारे जो ओपेसिटी और हार्डनेस को एडजस्ट कर लेने के बाद हमें इस तरीके से इस वाले जो एरो दिख रहे हैं या वाटरमार्क दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव कर लेने के बाद बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है दोस्तों। अगर आपको रिमूव करना नहीं आता तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए, इस तरीके से कर लेने के बाद फिर से हमें टिक्स पर क्लिक करके हमें सेव कर लेना। फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, अपने एक पीएनजी को ऐड करना होगा। तो पीएनजी अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हो। तो सीक्रेट वाले पीएनजी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो पीएनजी को हम लोग छोटा कर लेंगे। तो पीएनजी को छोटा कर लेने के बाद इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। रोटेट कर लेने के बाद हमें इस तरीके से हमारे जो दो अंगली, हमारे हाथों की उंगली है, उंगली के बीच में इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हमें सिलेक्ट कर लेने के लिए हमें फिर से एरिज पर जाना होगा। एरिज पर जाने के बाद हमारे ओपेसिटी और साइज को थोड़ा छोटा करके हमें इसको, इस वाले पार्ट को रिमूव कर लेना होता है। इस वाले पार्ट को रिमूव कर लेने के बाद हमारे जो सीक्रेट है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे छोटा। छोटा कर लेने के बाद फिर से हमें दो उंगली के बीच में इसे सिलेक्ट कर लेना हो। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से इस तरीके से रोटेट कर लेना होता है। रोटेट कर लेने के बाद इस तरीके से इसको कर लेंगे छोटा। छोटा कर लेने के बाद फिर से हमें इस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। तो इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद हमें थोड़ा बहुत ऐसे कर लेना होगा, और हमें फिर से एरिज पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, थोड़ा रिस्टोर कर लेना होगा। तो रिस्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से रिस्टोर कर लेने के बाद फिर से हमें
रोटेट करके देखना होगा। तो रोटेट करके देख लेते हैं कि हमारे जो फ़ोटो में एडजस्ट हो चुके हैं या नहीं। तो इस तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं हमारे सीक्रेट, तो हमारे जो सीक्रेट है वो इस तरीके से ऐड हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हमें ऐड फोटो ऐड पर क्लिक करके और एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो और एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वाले पीएनजी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले पीएनजी को हमारे जो सीक्रेट की आग है, तो सीक्रेट की आग को हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सीक्रेट की आग को दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोबारा से सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हमें जो ऑब्जेक्ट पार्ट है उसको रिमूव कर लेने के बाद हमें फिर से सीक्रेट की जो आग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो सीक्रेट की आग को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने के बाद फोटो को कर लेना उसे। अब क्या करेंगे, फिर से और एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक पीएनजी को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमारे जो फ़ोटो है वो काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी। तो चलिए पीएनजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले पीएनजी को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वाले पीएनजी को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हमें ब्लेंड पर जाना होगा और स्क्रीन पर जाना होगा और इस तरीके से ऐसे ऐड कर लेना होगा। इस तरीके से ऐड कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके हमें कलर को एडजस्ट करना हो। तो कलर को एडजस्ट करने से हमारा जो फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो कलर को कर लेते हैं एडजस्ट, तो कलर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से एडजस्ट आप भी करना ताकि आपका भी फ़ोटो ऐसे क्वालिटी वाला बने। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें क्या करना हो, फोटो को सेव कर लेना। सेव कर लेने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके रिसाइज पर जाना होगा और हमारे जो साइज है तो इस वाले साइज को हम लोग कुछ ज़्यादा टाइप करके हमारा जो साइज है साइज को बढ़ा लेते हैं। तो साइज को बढ़ाना नहीं आता है तो देखिए और इस तरीके से साइज बढ़ाना सीख जाइए। तो साइज को इस तरीके से बढ़ा लेने के बाद फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। फोटो को सेव कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले फ़ोटो को लाइटरूम पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो लाइटरूम पर सिलेक्ट कर लेते हैं उस वाले फ़ोटो को। तो इस वाले फ़ोटो को लाइटरूम पर सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, कलर पर जाना होगा और हमारे जो कलर है फेस की कलर है कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फेस की कलर को हम लोग इस तरीके से आगे पीछे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेंस को थोड़ा आगे पीछे करके हमारे जो कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके हमारे जो बैकग्राउंड के कलर और फेस के कलर दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको इस तरीके से रख लेता हूँ और इसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारे जो फ़ोटो की क्वालिटी है काफ़ी बढ़ जाए। तो इसको कर लेते हैं डाउन। इसको डाउन कर लेने के बाद येलो कलर को सिलेक्ट करके हमें क्या करना होगा, येलो कलर को थोड़ा बहुत चेंज करके देखते हैं। तो येलो कलर को चेंज कर लेने के बाद हमें फिर से हमें ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बहुत डाउन कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं डाउन और इसको थोड़ा बहुत इधर घिसका कर ऐसे कर लेते हैं। इसको ऐसे कर लेने के बाद फिर से हमें ग्रीन कलर को चूज़ करके ऐसे ग्रीन कलर को आगे पीछे करके बढ़ा सकते हैं। तो इसको ऐसे कर लेने के बाद हमारा जो रेड कलर है रेड कलर को थोड़ा बहुत देखते हैं। तो इस तरीके से कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, डन कर देना। और डन कर देने के बाद आपको फिर से क्या करना होगा, इफेक्ट पर सिलेक्ट करके हमें टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा देंगे और क्लैरिटी को थोड़ा डाउन कर देंगे। तो फिर से हमें क्या करना होगा, ब्राइटनेस को थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे। इस तरीके से बढ़ा देने के बाद डिटेल्स पर क्लिक करके हमें फिर से क्या करना होगा, स्प्रिंग को थोड़ा बढ़ा देना होगा और डिटेल्स को थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। तो डिटेल्स को अपने फ़ोटो के हिसाब से बढ़ाना, ज़्यादा बढ़ाने से अपना फ़ोटो की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर से इफेक्ट पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, इफेक्ट पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, ब्राइटनेस जो है उसको थोड़ा डाउन कर देंगे ताकि हमारे जो फ़ोटो के चारों तरफ से ब्लैक ब्लैक दिखे। तो हमारा जो फ़ोटो है वो काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलती है। तो अगर मेरे वीडियो को पसंद आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट।